सहायक पोलीस आयुक्त चाकण विभाग कार्यालय आणि चरहोली पोलीस चौकीचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. बांधकाम व्यावसायिक राजेंद्र लुंकड यांनी SP कार्यालय आणि पोलीस चौकीचं बांधकाम करून दिलंय. यावेळी अप्पर पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे, उपायुक्त मंचक इप्पर, सहायक आयुक्त राम जाधव, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मोहन शिंदे, मेसर्स RK लुंकड बिल्डर्स अँड प्रमोटर्स राजेंद्र लुंकड उपस्थित होते. 24 वाडी इथे कार्यालय आणि चौकी सुरू करण्यात आली आहे. राजेंद्र लुंकड यांनी विना मोबदला SP कार्यालय आणि पोलीस चौकीच्या इमारतीचं बांधकाम करून दिलंय. चरोली परिसरात अधिक सक्रिय पोलिसिंग करण्यास या चौकीची मदत होणार आहे. दिघी पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत ही चौकी येत असून चरोली 24 वाडी येथील नागरिकांना या पोलीस चौकीचा उपयोग होईल. तसेच पोलिसांचा जलद ऍक्सेस मिळेल असं मत पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी व्यक्त केलंय. मैं ये बताना चाहूँगा कि पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय जो है वो नवीन है और वो अभी पिछले 2 वर्षों में इसका जन्म हुआ है, पिछले 2 से 2.5 वर्षों में. इसलिए यहाँ जो आयुक्तालय के दूसरे अनुषांगी कार्यालय हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और उसमें जो आरंभिक समस्याएं हैं वो वर्तमान हैं. इसलिए वहाँ तक पहुँचने में या वहाँ की व्यवस्था उचित नहीं होने के कारण जन सामान्य को जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बाकी बची हुई थी, इस प्रकार की वास्तु के आने से जो जिसको कि एकोमोडेशन रिजर्वेशन सिस्टम कहते हैं, इसका ये एक सुंदर दृष्टांत है, एक नई शुरुआत है जिसमें कि RK लुंकड बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स श्री राजेंद्र रमनलाल लुंकड और उनके परिवार ने इसको बनाकर तैयार किया और हमें वो हस्तांतरित कर रहे हैं. इसमें इसके 2 हिस्से हैं इस वास्तु के. मुख्य हिस्सा ACP का ऑफिस है जिनका काम होता है प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ द एक्यूज, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड डिटेंशन ऑफ द एक्यूज. उसके बाद दूसरा जो होता है क्रिमिनल्स, और दूसरा जो होता है वो होता है bringing the culprit to the book and investigation, और आखिरी जो और उसको पहला भी कह सकते हैं कि maintaining the law and order and maintaining the even tempo of life. ये सारे काम बेहतर तरीके से हो सकेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, पुणे.